अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे सब खैर आफियत से होंगे। चले जी, आज की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। आज बनाने जा रही थी मैं रोगनी नान। चले जी, अब हम बनाते हैं रोगनी नान। अब देखिए जी, इसके लिए हमने पेड़े को ऐसे रख लिया और इसको साइडों से नहीं, इनको इसको अंदर अंदर से हमें ऐसे ऐसे ज़रा करना है, ठीक है जी? उंगलियों के साथ ऐसे, उंगलियों की मदद से थोड़ा सा खुशका भी ये ज़रा टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? ये देखें, ये साइडों साइडों से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके ये इसको साथ साथ फैलाते रहेंगे। साथ साथ जो इसके जो किनारे हैं ना, उनको हमने पतला नहीं करना, ठीक है? ये अंदर का जो हिस्सा है ना, इसको ये अंदर से ऐसे हमें इसको साथ साथ प्लेन करते जाना है, ठीक है? ये देखिए, ये साइड है इसकी, इसको ये जो किनारे हैं ना, ये हमें मोटे चाहिए। ये देखिए, ये इस तरीके से, ये देखिए, तो ये इसको हम साथ साथ ज़रा दबाते रहेंगे साथ साथ। ये देखें जी, ये है मेरे पास वो जो सांचा जो मैंने आपको कहा था रोगनी नान बनाने के लिए। इसको इस तरीके से ऊपर रख के, अगर ये आपके पास है भी तो बहुत इजी है, इसको हम अच्छे तरीके से सही दबाएंगे ज़ोर से कि इसके अंदर तक ये इसके निशान बन जाए अच्छे तरीके से। इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको हम दबाएंगे, नरम हाथ से नहीं, वरना ये इसका सही डिज़ाइन नहीं बनेगा। ये देखिए जी, ये बन गए इजीली, ठीक है जी? ये देखें, अब उंगलियों के साथ, ये देखें उंगलियों की मदद से हमें ये इसके जो साइडें हैं ना, किनारे इसके, ये हमें साथ साथ सेट करनी है, ठीक है? साथ साथ ये, अगर आपके पास ये सांचा नहीं है तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। इस किस्म का अगर आपके पास कोई भी चमचा या डोई जो है, ये देखिए, इसके साथ ये सब आप नान के ऊपर बड़े अच्छी तरीके से इसके डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए, मैं आपके सामने आपको ज़रा ये साइडें इसकी करके ये बता रही हूँ, ठीक? ये देखिए, ये साइड है इसकी, ये देखिए, ये आप उंगलियों की मदद से भी कर सकते हैं। और ये अगर आपके पास डोई तो होती ही है हर घर में, डोई या चम्मच या कोई भी चीज़ आपके पास अगर ऐसी है तो ये बहुत इजीली ऐसे बन जाएगा। ये देखिए ये चीज़ डिज़ाइन, ठीक है जी? अब हम इसको जो रोगनी नान जो है हमारा, इसको इसके ऊपर ये देखिए ये लगाएंगे हम ये दूध अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये देखें जी, ये इनमें भी अच्छे तरीके से हम इसको भी अच्छे तरीके से इसे लगा देंगे इसमें भी। नान घर बैठ के आराम से बना सकते हैं, ठीक है जी? अब मैं इस पर ऐड करूँगी ये वाइट तिल, ठीक है जी? ये आपकी पसंद के ऊपर है। अगर आप इस पर काले भी डालना चाहते हैं तो आप काले तिल भी डाल सकते हैं, करवंजी भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ बस इसके ऊपर वाइट तिल जो है ना, वही डालूँगी, ठीक है? ये जी, ये देखिए, और अब इनको थोड़ा थोड़ा मैं इसको दबा दूँगी तिलों को, ताकि ये साथ इसके चिपट जाए। ये देखिए सारी तरफ अच्छे तरीके से। चलिए जी, ये हमारा हो गया नान तैयार तंदूर पे जाने के लिए, ज़बरदस्त किस्म का रोगनी नान। चलिए जी, आराम से अपने इस रोगनी नान को उठाते हैं हम और इसको डालते हैं तंदूर के ऊपर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखिए माशाल्लाह से
क्या जबरदस्त हमारा रोमी नाम तैयार हो गया। देखें जी माशाल्लाह, इसको देखते हैं कि नीचे से हो गया, यहाँ से देखिए जी नीचे से ये बेहतरीन हो गया। देखिए माशाल्लाह से नीचे की इसकी लुक देखिए। चलिए जी अब इसको अंदर इसके नीचे इधर डालते हैं इसको, बिस्मिल्लाह रहमान करके। चलिए जी आराम से बिस्मिल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह ये गैस के अंदर। चलिए जी इसको होने देते हैं तैयार। क्या जबरदस्त तैयार हो रहा है। माशाल्लाह देखें कितना, माशाल्लाह माशाल्लाह से क्या जबरदस्त नान हमारा ये बन के तैयार हो रहा है। बन के देखे जरा, चलिए जिसको निकालते हैं बाहर। माशाल्लाह माशाल्लाह से, और इसको करते हैं नीचे से बंद और इसके ऊपर लगाते हैं बटर। देखिए जी माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त तैयार हुआ है हमारा। ये देखिए जी नान ज़बरदस्त किस्म का बन के तैयार हुआ है रोगनी नान। ये देखिए जी ये देखिए ज़रा, ये देखिए जी क्या ज़बरदस्त किस्म का हमारा रोगनी नान बन के तैयार हुआ है। इसको हमने लगा दिया। देखें इसकी बैक साइड देखें माशाल्लाह, ये देखें, और इसकी ये देखें साइडें देखें माशाल्लाह कितनी फूली हुई है। देखें गर्म बहुत है, उसे पकड़ा नहीं जा रहा, यकीन माने चाहे मैं आपको इस चिमटे की मदद से पकड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह देखें ज़रा कितना ज़बरदस्त ये इसका देखें फूला कितना अच्छा है, साइडें कितनी अच्छी बनी है इसकी। और ये देखें पीछे से क्या क्या ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। ये इसी तरह बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट नान। ये देखें सॉफ्ट ना रोगनी नान क्या ज़बरदस्त बन रहा है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ, कौरमे के साथ, सालन के साथ, या हर किस्म के जो चीज़ें हैं ना उसके साथ इसको आप रोगनी नान ऐसे भी सादा खाने में बड़ा मज़ा आता है गर्म गर्म खाने का। देखा जी हम घर में बैठे हुए कितने ज़बरदस्त किस्म के नान तैयार कर सकते हैं।